Hello students, and welcome here. Today our topic is team teaching. So let's see team teaching kya hai. So team teaching an innovative teaching method in which two or more teachers teach a group of students. Team teaching taleem ka ek aisa jadeed innovative teaching method aur strategy hai jisme do ya do se zyada teachers milkar एक ग्रुप ऑफ स्टूडेंट्स को पढ़ाते हैं. तो एक ही क्लास को दो टीचर्स मिलकर पढ़ाते हैं या इससे ज़्यादा टीचर्स भी हो सकते हैं. जो एक सब्जेक्ट के टीचर्स होते हैं वो मिलकर एक ग्रुप को पढ़ाते हैं. इज़ अ गुड इनोवेशन एंड टीचिंग स्ट्रेटजी. तो टीम टीचिंग जो है एक इनोवेशन है और टीचिंग स्ट्रेटजी है जिसमें दो या इससे ज़्यादा टीचर्स मिलकर बाहमी इश्तराक से बाहमी तावुन से अपनी एक्सपर्टीज़ का इस्तेमाल करते हुए स्टूडेंट्स को लर्निंग करवाते हैं. इनकी स्किल्स को इम्प्रूव करने के लिए स्टूडेंट्स की स्किल्स को इम्प्रूव करने के लिए इफ़ेक्टिवली मुख्तलिफ अपॉर्चुनिटीज़ को प्रोवाइड करते हैं. अपनी स्किल्स को इस्तेमाल करते हुए अपने नॉलेज को इस्तेमाल करते हुए डिफरेंट अपॉर्चुनिटीज़ प्रोवाइड करते हैं. इट इज़ आल्सो टीम टीचिंग. इट इज़ जो है वो आल्सो कॉल्ड को टीचिंग. टीम वर्क ऑफ टीचर्स इसको कहा जाता है. और ये स्ट्रेटजी मुख्तलिफ टीचिंग मेथड्स में भी अप्लाई होती है. जैसा कि एक्सपेरिमेंटल मेथड है, डेमोन्स्ट्रेशन मेथड है, रोल प्ले है जिसमें एक टीचर जब थ्योरी को पढ़ाता है दूसरा डेमोन्स्ट्रेट करता जाता है. तो इसी तरह एक्सपेरिमेंटल मेथड में लैंग्वेज मेथड जो होते हैं उनमें भी, तो एक्सपेरिमेंटल मेथड में भी ये होता है कि कुछ टीचर्स जो है वो थियोरेटिकली उनको समझा रहे होते हैं, कुछ जो है वो एक्टिविटीज़ करवा रहे होते हैं. तो इस तरह बाहमी कोऑपरेटिव जो माहौल होता है इसको हम बोलते हैं कोऑपरेटिव टीचिंग, को टीचिंग या फिर टीम टीचिंग. टीम टीचिंग एक स्ट्रेटजी है जो कि सबसे सिंपल टीचिंग स्ट्रेटजी में आती है. तो बहुत ही सिंपल सा तरीका है जिसमें टीचर्स मिलकर जो है वो अपने टाइम की बचत भी करते हैं और सब्जेक्ट को डिफरेंट तरीक़ों से पढ़ाते हैं जिसमें एक ही सब्जेक्ट के टीचर्स इज्तमाही तौर पर सेम सब्जेक्ट एक ही क्लास को पढ़ाते हैं. इन अदर वर्ड्स टीम टीचिंग एक वेल ऑर्गेनाइज्ड सिस्टम ऑफ टीचिंग है जिसमें बहुत सारे टीचर्स स्टूडेंट्स के एक ही ग्रुप को बाहमी तावुन के साथ इंस्ट्रक्शंस देते हैं. तो टीम टीचिंग जो है बहुत ही इंटरेस्टिंग और इनोवेटिव टीचिंग है जिसमें टीचर्स मिलकर एक सिस्टमेटिक तरीके से चीज़ों को ऑर्गेनाइज़ करते हैं, क्लास को अरेंज करते हैं और इफ़ेक्टिवली टीचिंग प्रोसेस को है जो डेवलप करते हैं. जे टी शैपलिन 1964 में कहते हैं टीम टीचिंग एक किस्म की इंस्ट्रक्शनल तंजीम है जो कि टीचर्स और स्टूडेंट्स को इन्वॉल्व करती है जिसमें रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ दी जाती हैं. दो या इससे ज़्यादा टीचर्स को रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ एलोकेट की जाती हैं कि वो एक साथ मिलकर सम ग्रुप ऑफ स्टूडेंट्स के लिए हदायत प्रोवाइड करें. कि तमाम टीचर्स को रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ दी जाती हैं, उनको बताया जाता है कि वो स्टूडेंट्स को उनकी इंस्ट्रक्शंस जो है वो एक ही ग्रुप को जो है वो दें. तो शैपलिन के अकॉर्डिंग टीम टीचिंग के बारे में ये था. कि इसके अलावा एम बी नायक कहते हैं इन दिस टीचिंग स्ट्रेटजी टू और मोर देन टू टीचर्स इन्वॉल्व टू मेक अ प्लान ऑफ एनी गिवन सब्जेक्ट आर सब्जेक्ट्स कोऑपरेटिवली कैरी इट आउट एंड ऑलवेज एवेल्यूएट इट्स इफेक्ट ऑन स्टूडेंट्स पीरियोडिकली. तो टीचर्स जो हैं वो डिफरेंट सब्जेक्ट्स को या एक ही सब्जेक्ट्स को मिलकर पढ़ाते हैं. जैसे लैंग्वेज की अगर हम एग्जाम्पल लें तो कुछ टीचर्स पोइट्री पढ़ा रहे होते हैं, कुछ टीचर्स जो हैं वो प्रॉस पढ़ा रहे होते हैं, कुछ टीचर्स लिटरेचर पढ़ा रहे होते हैं. तो इसी तरह से डिफरेंट टीचर्स मिलकर एक ही सब्जेक्ट को करवा रहे होते हैं, बच्चों को लर्निंग करवा रहे होते हैं. नेक्स्ट आता है ऑब्जेक्टिव्स ऑफ टीम टीचिंग. ऑब्जेक्टिव्स ऑफ टीम टीचिंग क्या हैं इसके? तो इसमें आता है कि टू इम्प्रूव क्वालिटी ऑफ इंस्ट्रक्शन. इंस्ट्रक्शंस की क्वालिटी को इम्प्रूव करना होता है. इसका मकसद टीम टीचिंग के मकसद में सबसे पहले आता है कि जो इंस्ट्रक्शनल प्रोसेस है उसको मोर इफेक्टिव बनाया जाए और क्वालिटी को बेहतर किया जाए. नेक्स्ट आता है टू एक्सप्लॉयट टैलेंट्स एंड एक्सपर्टीज़ ऑफ टीचर्स. टीचर्स के तजुर्बात उनके एक्सपीरियंसिस
उनके नॉलेज और सलाहियतों से भरपूर फ़ायदा उठाना, जो टीम टीचिंग का मकसद होता है कि डिफरेंट टीचर्स की सलाहियतों को से फ़ायदा उठाया जाए। और एक मकसद है इसका कि यूटिलाइज रिसोर्सेज ऑफ स्कूल, तो स्कूल के तमाम रिसोर्सेज को प्रॉपर तरीके से, भरपूर तरीके से उनसे हम उनको हम यूटिलाइज कर सकें और किया जाए। टू अंडरस्टैंड इम्पोर्टेंस ऑफ कोऑपरेटिव एंड ग्रुप वर्क अमंग टीचर्स, तो टीम टीचिंग का एक बहुत बड़ा जो मकसद है वो यह है कि टीचर्स में कोऑपरेटिव जो एबिलिटी है उसकी अहमियत को उजागर करना, ताकि टीचर्स में कोऑपरेशन क्रिएट हो, और ग्रुप वर्क में काम करना उनको जो है स्टूडेंट्स को और टीचर्स को दोनों को ग्रुप वर्क में और कोऑपरेटिव लर्निंग में की जो एबिलिटीज़ हैं, जो सलाहियतें हैं वो परवान चढ़ सकें। इसके अलावा टीचर्स के दरमियान ग्रुप वर्क और कोऑपरेटिव एनवायरनमेंट की अहमियत को मतलब उजागर करना। नेक्स्ट है टू डिवेलप द सेंस ऑफ शेयर रिस्पॉन्सिबिलिटी, तो अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को शेयर करना, और इस तरह इसकी शेयर करने की जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है या शेयर करने की जो एबिलिटी है वो सेंस को डिवेलप करना टीचर्स की और स्टूडेंट्स की। तो इसमें फ्लेक्सिबिलिटी होती है टीम टीचिंग में, कि एक टीचर पढ़ा रहा है तो दूसरा जो है वो इसमें दोनों मिलकर एक दूसरे की जो एक्सपर्टीज़ हैं उनको उससे फ़ायदा उठाते हुए अपनी प्लानिंग करते हैं, स्टूडेंट्स का इंटरेस्ट देखते हैं, उनका सब्जेक्ट की नीड्स को देखते हैं। तो ये तमाम मकासद जो है इसके अंदर होते हैं। प्रोसीजर ऑफ टीम टीचिंग, तो टीम टीचिंग के प्रोसेस में थ्री बेसिक स्टेप्स को फॉलो किया जाता है। देर आर थ्री स्टेप्स ऑफ टीम टीचिंग, जिसमें प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग एंड एवेल्यूएटिंग आता है। प्लानिंग में तमाम जो एक्टिविटीज़ और मटेरियल जो बच्चों को प्रोवाइड करने होते हैं टीचर्स ने मिलकर, इनको प्लान करना भी ज़रूरी होता है। पहले टीचर्स प्लान करते हैं कि कौन सी एक्टिविटी कौन सा टीचर करवाएगा, कौन सी रिस्पॉन्सिबिलिटी किस टीचर को के सपुर्द होगी। तो सबसे पहले ऑब्जेक्टिव्स को देखा जाता है कि किस मकसद के लिए हम टीम टीचिंग करवा रहे हैं, और फिर इन मकासद को फुलफ़िल करने के लिए एक्टिविटीज़ जो एक्सपीरियंसिस करवाने होते हैं उनको स्टेप वाइज चीज़ों को ऑर्गेनाइज करना होता है, और इसमें आ जाता है ऑर्गेनाइजिंग। तो ऑर्गेनाइजिंग में एक्टिविटीज़ को एक्सपीरियंसिस को ऑर्गेनाइज करना होता है, ताकि तमाम टीचर्स को उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ डिवाइड की जा सकें और टीचिंग को ऑर्गेनाइज किया जा सके। और लास्ट भी आ जाता है एवेल्यूएशन, जो प्लानिंग और एक्सपीरियंसिस लर्निंग एक्सपीरियंसिस करवाए गए, जो ऑर्गेनाइजेशंस की गई, जो प्लान्स बनाए गए, उनको एट द एंड एवेल्यूएट भी कर लिया जाता है कि बच्चों को टीम टीचिंग से क्या फ़ायदा हुआ, क्या जो कंटेंट जो टॉपिक्स बच्चों को समझाए गए दोनों टीचर्स ने मिलके या ज़्यादा टीचर्स ने मिलके, तो क्या उसका बच्चों की लर्निंग आउटकम में या उनके रिजल्ट्स जो हैं वो अच्छे आए या नहीं आए। तो दैट इज़ द प्रोसीजर ऑफ टीम टीचिंग। नेक्स्ट आता है करैक्टरिस्टिक्स ऑफ टीम टीचिंग, तो इसके बेनिफिट्स भी इसी में हैं। तो इसमें है कि जो प्लान ऑफ टीचिंग है इज़ फ्लैक्सीबल, इसमें बहुत फ्लैक्सीबिलिटी होती है, एक्टिविटीज़ को बदला जाता है अकॉर्डिंग टू द नीड्स, अकॉर्डिंग टू द स्टूडेंट नीड्स एंड सोसाइटी की नीड्स। तो टीम टीचिंग में फ्लैक्सीबिलिटी पाई जाती है, ताकि लर्निंग एनवायरनमेंट को स्टूडेंट्स की नीड और इंटरेस्ट के हिसाब से डिवेलप किया जा सके। टीम स्ट्रेटजी में टीचर्स मिलकर डिसाइड करते हैं एक्टिविटीज़ को जो उन्होंने मिलकर करवानी होती हैं बच्चों को। तो टीचर्स जब मिलकर करवाते हैं एक्टिविटीज़, तो इस तरह से बाहमी जो कोऑपरेशन है वो टीचर्स के अंदर क्रिएट होती है, और एक्टिविटीज़ स्मूथ तरीके से कंडक्ट करवाई जाती हैं। एंटायर इसमें लर्निंग की जो एंटायर रिस्पॉन्सिबिलिटी है सिर्फ एक टीचर पर नहीं होती, क्योंकि एक टीचर अगर एक्टिविटी भी करवानी है साथ साथ उनको चीज़ें समझानी भी है, लेक्चर्स भी देने हैं, तो इस तरह फिर मुश्किल हो जाता है। तो इसमें एंटायर जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो एक टीचर पर नहीं होती, बल्कि यहाँ जो जिम्मेदारियाँ हैं वो शेयर होती हैं डिफरेंट टीचर्स के दरमियान में। तो टीम टीचिंग जो है एक इंस्ट्रक्शनल अरेंजमेंट है, जिसमें सिस्टमेटिकली लर्निंग एनवायरनमेंट को अरेंज किया जाता है, एक्टिविटीज़ को सिस्टमेटिकली प्लानिंग के साथ ऑर्गेनाइज किया जाता है। तो ये एक बड़ा जो इंटरेस्टिंग जो मेथड होता है, जिसमें दोनों काफ़ी टीचर्स मिलकर जो है उसको प्लान करते हैं। इसके अलावा वेरियस आस्पेक्ट्स एंड टॉपिक्स ऑफ वन सब्जेक्ट इज़ टॉट बाय टू और मोर टीचर्स, तो बहुत सारे टॉपिक्स होते हैं जो टीचर्स मिलकर पढ़ाते हैं। टीम टीचिंग प्रोसेस में स्टूडेंट्स की नीड्स, स्कूल की एग्जिस्टिंग रिसोर्सेज को अच्छे तरीके से कंसिडर किया जाता है और उनको यूटिलाइज किया जाता है। इसके अलावा इट इज़ एन इंस्ट्रक्शनल स्ट्रेटजी, टीम टीचिंग जो है वो इंस्ट्रक्शनल स्ट्रेटजी है, जिसमें दोनों टीचर्स या ज़्यादा टीचर्स अरेंजमेंट करते हैं इंस्ट्रक्शंस की, इंस्ट्रक्शनल मटेरियल्स की, और वो बच्चों को प्रोवाइड करते हैं। इट इन्वॉल्व्स टीचिंग टू बी कंडक्टेड बाय टू और मोर टीचर्स, तो ये तो हमने पहले भी देखा है कि दो से ज़्यादा टीचर्स जो है इसमें होते हैं। इट कॉल्स टीम स्पिरिट,
तो एज अ टीम जो है उनके अंदर स्पिरिट प्रोसेस, जो टीचिंग प्रोसेस के अंदर टीम स्पिरिट क्रिएट होता है स्टूडेंट्स में, टीचर्स में, तो ये इसका बहुत बड़ा बेनिफिट है. टीम स्पिरिट ऑफ टीचर्स इज बाउंड बेनिफिट द स्टूडेंट. तो अगर टीचर्स में टीम स्पिरिट होगा, कोऑपरेशन होगी उनके अंदर, टीचर्स के दरमियान में ग्रुप वर्किंग इफेक्टिव होगी, इम्प्रेसिव होगी, तो उनको देख के स्टूडेंट्स के अंदर भी वो टीम स्पिरिट्स की क्वालिटीज़, उनकी भी कोऑपरेटिव क्वालिटीज़ जो है वो क्रिएट होंगी. तो इस तरह से ये इसका बहुत बड़ा बेनिफिट हो जाएगा. इट इज़ सॉर्ट ऑफ पुलिंग एक्सपर्टीज़ एंड रिसोर्सेज. तो बहुत सारे टीचर्स के एक्सपीरियंसेस शेयर होते हैं, इसमें इंटरेस्ट होते हैं, नॉलेज होती हैं, टीचर्स के स्किल्स होती हैं जो बच्चों को कन्वर्ट की जाती हैं. और इससे इकोनॉमिकल मेथड है. इट इज़ इकोनॉमिकल इन द सेंस इन दैट इट रिजल्ट्स इन मोर वर्क एंड लेस टाइम. तो ज़्यादा काम जो है वो दो टीचर्स मिलकर एक टॉपिक को थोड़े से वक्त में करवा लेते हैं दो टीचर्स मिलकर. इसके अगर ड्रॉबैक्स देखें, इसके डीमेरिट्स की बात करें, तो लैक ऑफ कोऑपरेशन अमंग टीचर्स. बाज़ दफ़ा ऐसा भी हो जाता है कि टीचर्स के अंदर इंटरेस्ट या जो कोऑपरेशन है वो उनकी कमी होती है. इसके अगर डीमेरिट्स की बात करें, तो ड्रॉबैक में टीचर्स जो हैं अगर कोऑपरेटिव, प्रॉपर तरीके से कोऑपरेटिव नहीं होते एक दूसरे के साथ, तो फिर टीचिंग की जो प्लानिंग है वो नाकाम हो जाती है, तमाम प्लान जो है वो ख़राब हो जाते हैं. इसके अलावा लैक ऑफ इंटरेस्ट होता है स्टूडेंट्स की तरफ से, लैक ऑफ इंटरेस्ट हो जाता है. टीचर्स की कोऑपरेशन नहीं होगी तो स्टूडेंट्स की इंटरेस्ट भी इसमें नहीं होगा. तो टीचर्स और स्टूडेंट्स का इंटरेस्ट जो है वो बहुत ज़रूरी होता है. इसके अलावा ये होता है कि लार्ज ग्रुप के लिए, ग्रुप ऑफ स्टूडेंट्स के लिए प्रॉपर अकोमोडेशन प्रोवाइड नहीं हो पाती. अगर स्टूडेंट्स बहुत ज़्यादा हैं तो फिर प्रॉपर तरीके से इनको इंस्ट्रूमेंट्स नहीं मिल पाते और अकोमोडेशंस नहीं मिल पाती. तो टीम वर्क के मतलब बहुत बात दफ़ा ये भी होता है कि लैक ऑफ अकोमोडेशन और अनरियलिस्टिक एक्सपेक्टेशंस अबाउट टीम कोऑपरेशन. तो टीम वर्क के मुतल्लिक गैर हकीकत पसंदाना जो एक्सपेक्टेशंस लगाई होती हैं वो इसका ड्रॉबैक में आ जाता है. तो जो हकीकत पर मबनी नहीं होती, जो वो एक्सपेक्टेशंस होती हैं, जो इस वजह से जो है टीम टीचिंग जो है उसमें लिमिटेशन में आ जाता है. तो प्री प्लानिंग टेक्स अ कंसिडरेबल अमाउंट ऑफ टाइम. जाहिर सी बात है, जब टीम टीचिंग दो टीचर्स ने मिलकर टीचिंग करनी है तो दोनों मिलकर पहले प्लानिंग करते हैं. तो फिर ये जो प्लानिंग का जो प्रोसेस है ये काफ़ी टाइम टेकिंग होता है, और जो प्लानिंग है वो प्रॉपर टाइम चाहती है. तो इस वजह से फिर टीचर्स जो हैं वो प्लानिंग नहीं कर पाते अच्छे तरीके से. और इसके अलावा ये तरीका जो है ये एक्सपेंसिव भी है, और कुछ लोग जो हैं वो अपनी कॉन्फ्लिक्ट ओपिनियंस, मुतजाद राय की वजह से उलझ जाते हैं. उनके ओपिनियंस आपस में मैच नहीं कर रहे होते, तो इस वजह से भी स्टूडेंट्स में कन्फ्यूजन आ जाती है, टीचिंग में कन्फ्यूजन आ जाती है, तो माहौल जो है वो ख़राब हो जाता है. तो ये थे इसके टीम टीचिंग के ड्रॉबैक्स.